हेलो एवरीवन, मैं यक सेठ, सीईओ ऑफ वाईकेएस ग्रुप, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। ये कोरोना के टाइम में बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे लेक्चर्स, स्कूल्स, कॉलेजेस के बहुत सारे MLM के सेमिनार्स ने वेबिनार्स का स्वरूप ले लिया है। अगर आप वेबिनार कंडक्ट कर रहे हो या आप ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हो तो आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है उसकी हम आज बात करेंगे। तो ये वीडियो एंड तक देखना जिससे आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगी कि मुझे क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन क्लिक कर दे, जिससे ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको इंस्टेंट मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। फर्स्ट पॉइंट, जो भी स्पीकर है, जो भी वेबिनार कंडक्ट कर रहा है, जो भी लेक्चरर है, उसके अलावा जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वेबिनार के, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के, वो सब म्यूट होने चाहिए। या तो दो लोग बात कर रहे हैं तो वो दो लोगों के अलावा जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके ऑडियो म्यूट होने चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, किसी के बैकग्राउंड में टेलीविजन की आवाज आ सकती है, किसी के बैकग्राउंड में फैमिली मेंबर्स बात कर रहे हैं उसकी आवाज आ सकती है, किसी के वहां पे सॉन्ग्स चालू हो गए, तो वो पूरा माहौल क्रिएट करता है, बिगाड़ता है जो वेबिनार चल रहा है। लोगों का डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है, जो एक्चुअल कंटेंट है उसके अलावा वो लोग दूसरी जगह सुनने को मजबूर होते हैं। मेक श्योर करना कि जो होस्ट है, जो बोल रहा है या किसी से बात कर रहा है, तो उनके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं उनके ऑडियो म्यूट होने चाहिए। ये जूम एप्लीकेशन में जो होस्ट होगा वो भी अदर पार्टिसिपेंट्स को म्यूट कर सकते हैं, या तो यू कैन रिक्वेस्ट फॉर द अदर पार्टिसिपेंट्स कि प्लीज आप लोग म्यूट कर दे, जैसे आपकी बारी आएगी या आपको कोई क्वेरी हो तो वहां पे एक फैसिलिटी है रेज योर हैंड, तो यू कैन रेज योर हैंड, हम लोग हेल्प करेंगे अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है। ये था अपना पहला पॉइंट। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट, टर्न ऑफ द वीडियो। जो भी होस्ट है, जो भी स्पीकर है, उसके अलावा जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर आप ऑफिस की रेगुलर मीटिंग या जिसमें आप देखना चाहते हो आपके कलीग को, उसके अलावा लेक्चर है या आपका कोई डिजिटल मार्केटिंग का वेबिनार है या आपका नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का वेबिनार है, स्पीकर के अलावा यू कैन रिक्वेस्ट अदर मेंबर्स टू टर्न ऑफ देयर वीडियो। उसे क्या क्या फायदे होंगे। फर्स्ट, इंडिया में 60-70% यूजर्स इसको मोबाइल पे यूज करते हैं जूम एप्लीकेशन को। वीडियो कन्वे करने में उनका डेटा बहुत कंज्यूम होता है। अगर 30-50 मिनट से ज्यादा का वेबिनार चलने वाला है तो आपका डेटा इतना कंज्यूम होगा कि एक स्टेज के बाद आप स्पीकर का वॉइस भी प्रॉपर नहीं सुन पाओगे। इससे क्या होगा, आपकी जो मीटिंग है वो इफेक्टिव नहीं रहेगी और वैसे भी जरूरत भी नहीं है उनका वीडियो देखना राइट नाउ। सेकेंड थिंग, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है, किसी के वीडियो में कोई हलचल हो रही है तो लोग स्पीकर को देखने की जगह उनको देखेंगे, तो डिस्ट्रैक्शन भी दूर हो सकता है। और होस्ट या एडमिन खुद लोगों का वीडियो टर्न ऑफ करे, उससे अच्छा है आप उनको समझाओ, वेबिनार शुरू करने से पहले कुछ रिक्वेस्ट करो कि अगर मैं चाहता हूं कि आप लोगों का नेट बचे, हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करनी है, तो आप अपना वीडियो टर्न ऑफ कर दीजिए जिससे आपका इंटरनेट कंज्यूम होना कम हो जाएगा, हम अच्छे से बात कर पाएंगे, मेरी बातें आप तक पहुंच पाएगी, तो लोग समझेंगे और लोग खुद में खुद अपने वीडियो टर्न ऑफ कर देंगे। टेक रेगुलर रिस्पॉन्सिस। रेगुलर रिस्पॉन्स लेना है कि लोग आपका वेबिनार ठीक से सुन रहे हैं कि नहीं रहे, वो लोग आपकी बातों पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो आप बोलोगे कि सर आपने ऑडियो बंद करवा दिया, वीडियो बंद करवा दिया, अब हम क्या करें। वहां पे एक चैट सिस्टम आता है। क्या करना है, एवरी 5-10 मिनट, अगर हमारा 30 मिनट का वेबिनार है, 1 आवर का वेबिनार है, तो 6-10 बार
कोई टॉपिक क्लोज करने के बाद आप लोगों से पूछिए, शुरुआत में अगर आपने जब ऑडियो और वीडियो उनका बंद करवा दिया, फिर उनसे पूछे कि कैन यू हियर मी, अगर सुन पा रहे हैं तो चैट में लिखिए यस, तो बहुत सारे लोग लिखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि ओके दे आर डूइंग टू वे कम्युनिकेशन, जिससे हमें पता चलेगा कि वो लोग हमारी बातों पे ध्यान दे रहे हैं, वो लोग एक्टिव है, और उससे उनका ध्यान बना रहता है कि कभी भी क्वेश्चन आ सकता है और मुझे आंसर देना है। तो चैट का प्रॉपर यूज करिए, लोगों को क्वेश्चंस पूछते रहिए एवरी 5-10 मिनट्स में, जिससे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हमें पता चलेगा। यूज प्रेजेंटेशंस। सो क्या होता है कि सेमिनार्स में आप तो बोल रहे हो, साथ में व्हाइट बोर्ड होता है, एक बड़ी स्क्रीन होती है जिसपे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप घुमाते हो, तो सेम चीज यहां पे भी कर सकते हैं। आपको पता होगा एक स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आता है, तो क्या करना है, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या पीडीएफ जो आप आपकी स्क्रीन पे ओपन कर दीजिए, वो स्क्रीन के अलावा ब्राउजर या कोई भी टैब जो ओपन हो सभी क्लोज कर दो, हर एक नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, उसके बाद फुल स्क्रीन प्रेजेंटेशन ओपन करके शेयर स्क्रीन का बटन क्लिक कर दो। अब जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आपके, जितने भी वेबिनार में लोग देखने आए हैं, वो लोग आपका चेहरा और प्रेजेंटेशन दोनों चीज देख पा रहे हैं, तो डबल इंपैक्ट होता है। एक आपके एक्सप्रेशन वो लोग देख पा रहे हैं, आप जो मैसेज कन्वे करना चाहते हो वो प्रेजेंटेशन के थ्रू प्रॉपर लोगों तक कन्वे होता है। सो प्रेजेंटेशन यूज करना बहुत इफेक्टिव है। अगर आप 20 मिनट से ज्यादा बड़ा सेशन कंडक्ट कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आपके पास प्रेजेंटेशन हो, तो आपको इसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, सेशन से पहले उसको बनाना पड़ेगा, बट ये बनाने के बाद आपका इंपैक्ट एटलीस्ट 3 times अच्छा हो जाएगा वो सेशन का। सो मेक श्योर करिए कि आप प्रेजेंटेशन यूज करें। ऑलवेज हैव अ co-host। co-host क्या होता है कि आप मेन होस्ट है, उसके साथ आपका एक यार दोस्त, आपका एक हेल्पिंग हैंड, आपका एक को पार्टनर, जो अगर आप सेमिनार कंडक्ट कर रहे हो, मानो कि आप 100 पार्टिसिपेंट्स है उसका एक वेबिनार कंडक्ट कर रहे हो और आपका फ्लो चालू है, वहां पे 3-5 पार्टिसिपेंट्स ने रेज हैंड किया कि आई एम नॉट एबल टू हियर या मुझे ये क्वेरी है कुछ है, तो आप पूरे वेबिनार को पॉज करके वो सुन नहीं पा रहे, वो सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये चीजें सॉल्व कर पाएंगे को होस्ट। सो अगर कोई चैट पे लिखता है कि आई एम नॉट एबल टू हियर यू या कोई रेज हैंड करता है, तो आप को होस्ट की ड्यूटी रहेगी कि वो क्वेरी सॉल्व करे, या तो एज अ स्पीकर आप ऐसा कह सकते हो कि हमारे को होस्ट प्लीज हेल्प करिए, ये हमारे 2-3 फ्रेंड्स को दिक्कत आ रही है। सो को होस्ट से क्या होगा, आपका जो टाइमिंग है, आपका जो कैलकुलेशन है, आपने सोचा है कि मैं 60 मिनट्स इतने लोगों को अलोकेट करूंगा या करूंगी, तो वो प्रॉपर 60 मिनट्स यूटिलाइज हो पाएंगे, या तो दूसरों के टेक्निकल ग्लिच सॉल्व करने में स्पीकर का टाइम चला जाएगा। को होस्ट होने से आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बहुत बेसिक पॉइंट है, स्टॉप चेकिंग योरसेल्फ। मैंने बहुत सारे वेबिनार्स कंडक्ट किए, तो पहले मैं भी ये गलती करता था कि जैसे ही मुझे मेरा वीडियो दिखता था या थोड़ा खत्म होने पे मुझे मैं भी दिख रहा हूँ, क्योंकि मैं स्पीकर हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ दूसरे सबके वीडियो क्लोज है, तो मेरे बाल ऐसे हो गए तो मैं ऐसे बाल ठीक कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो ये अच्छा नहीं लगता। अगर आप वेबिनार के मिडल ऑफ द वेबिनार अगर 10, 20, 50, 100, 500 लोग आपको देख रहे हो और आप वहाँ पे आपके बाल ठीक कर रहे हो या मिरर की तरह आप यूज कर रहे हो और बाकी के सब लोग उसको देख रहे हैं, बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है, ये हो जाता है, बट ट्राई करिए कि ये चीज अवॉइड करो, सो इम्पैक्ट अच्छा रहेगा, लोग इरिटेट नहीं होंगे, कई लोग इरिटेट हो जाते हैं अगर आप ऐसी चीजें करते हो तो। सो ध्यान रखिए कि ये चीज आपके वेबिनार के थ्रू दौरान ना करें। आपने सभी पॉइंट्स देख लिए हैं और मैं आशा करता हूं कि अगर आप ये 6 points भी कंप्लीट करोगे तो बहुत इफेक्टिव वेबिनार्स या वीडियो कॉन्फ्रेंसेस आप कंडक्ट कर पाओगे। सो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये अप्लाई करने के बाद आपकी कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, कितनी एफिशिएंसी बढ़ी, और
इसी तरह आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सबको ये वीडियो भेजो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह, जिससे लोगों की मीटिंग्स इतनी इफेक्टिव हो सकती है। और इसको लाइक कर दो वीडियो को, जिससे मुझे भी लगे कि आपके लिए ये यूजफुल वीडियो रहा। इसके अलावा आपको लगता है कि ये 6 पॉइंट के अलावा भी ऐसे कोई पॉइंट्स है जिससे वेबिनार्स को हम और भी इफेक्टिव बना सकते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मेरी टीम को व्हाट्सएप करिए, हमें कॉल करिए, जिससे हम लोग चीजें डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह आपका प्यार बनाए रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।